नमस्कार, मेक इट विद अनंत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वायरल रैप की रेसिपी, और ये समय बहुत चल रहा है। इसको बनाना बहुत ही इजी है, और घर में मिलने वाले सामान के साथ आप इसको इजीली बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने एक रोटी ली है, आप बची हुई रोटी से भी इसे बना सकते हैं। बस रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसको इसमें फिलिंग डालेंगे तो ये जो सारी फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। इसलिए रोटी थोड़ा सा बड़े साइज़ की लीजिए। साथ में मैंने ले लिया है एक शिमला मिर्च और एक प्याज, और इसको मैंने लंबे लंबे पीस में काट लिया था। बारीक पीस जो है वो पतले ही होने चाहिए। और साथ में मैंने इसको आधा मिनट के लिए आधे चम्मच से भी कम बटर में इसको फ्राई पैन में इसको भून लिया था, प्याज और शिमला मिर्च को, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था, ताकि बाद में जब आप इसको खाएं तो इसमें ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसके साथ ही मैंने दो टाइप का चीज़ ले लिया है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले रोटी को फोल्ड करना है, ताकि इसमें जो हम कट लगाएंगे वो इजीली इसमें बराबर से लग जाए, नहीं तो ज़्यादा कम हो जाता है, और फिर जब हम इसको फिल करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको कट लगाना है, और बहुत ही इजी बनाना है। आजकल बहुत चल रहा है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये घर के मिलने वाली चीज़ों से इजीली बन जाता है, तो नुकसान भी नहीं करता। और मैदे का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, गेहूं के आटे की रोटी है। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लिया है, और दो चम्मच सॉस मैं इसमें अच्छे से लगा दूँगी। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आपके पास जो भी सॉस है आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लगाना है, बहुत मोटी को जो है नहीं लगाना है इसको, बहुत मोटा इस तरह से आप पतला पतला इसको लगा लें। और इसके बाद अब इसमें मैं शिमला मिर्च और जो प्याज है ये सबसे पहले इसमें भरेंगे। तो एक से दो चम्मच शिमला मिर्च और प्याज इसमें जाएगा। आप चाहें तो शिमला मिर्च और प्याज को ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि गोल गोल पीसों में कट करके भी रख सकते हैं, और बिना इसको फ्राई किए भी रख सकते हैं। पर इस तरह से जो करने में टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर दो चम्मच जो है चीज़ इसमें डाल दूँगी। बहुत किनारे तक नहीं डालना है, ताकि ये अभी हम इसको पकाएंगे, इसको सेकेंगे तवे पे तो निकले नहीं सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप डालिए, बहुत कोने में नहीं डालना है इसे। तो और अब एक दो चम्मच मैं इसमें चीज़ और डाल दूँगी। आने वाले वीडियो में मैं और इसके डिफरेंट टाइप आपके साथ शेयर करूँगी, अभी मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। और एक चम्मच से भी कम यहाँ पर मैंने ये दूसरे टाइप का चीज़ लिया है, स्प्रेड चीज़ है ये। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, इससे थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। और अब इसे फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है इसको फोल्ड करना, ये देखिए बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाता है ये। तो ये देखिए फोल्ड होके तैयार हो गया है। अब इसको मैं साइड में रख लूंगी, और एक डिफरेंट टाइप का भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। दो तरह के मैं यहाँ पे आपको रैप बना के दिखाऊंगी, और ये थोड़ा सा रोल टाइप का है, मतलब ये रोल है जो दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए भी एक रोटी लेना है हमें, रोटी बड़े साइज के लिए है मैंने। और अब इसमें हम लगा देंगे सॉस। तो दो चम्मच से ज़्यादा सॉस इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखापन है इस पिज़्ज़ा सॉस में, तो फिर खाने में जो है बहुत तीखा सा लगता है बच्चों को। तो इस वजह से मैं इसमें बस हल्का सा ही, इसमें दो चम्मच ही इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। बस इस तरह से लगा देंगे, और इसके बाद में चीज़ जो है वो डालना है। तो यहाँ पे मैं दो से तीन चम्मच चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं शिमला मिर्च और प्याज डाल दूंगी इसमें। वो दो से तीन चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पीरी पीरी, और अगर आपके पास है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। इससे थोड़ा सा टेस्ट इसमें जो है अच्छा सा आ जाता है।
तो मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी इसको, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। और बस अब इसको इस तरह से हाथ, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली रोल हो गया है ये। तो अब हम इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत कम बटर का यूज़ कर रही हूँ, मैंने बटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बटर अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम ही अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बस इसको बटर को लगाया है तवे पे, और एक साइड सेकने में जो है वो आधा मिनट लगभग लग जाता है। तो आप बिल्कुल आँच जो है वो एकदम स्लो कर दें, और उसके बाद ढक के ही इसको पकाएं, मतलब सेकें, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं और आँच स्लो नहीं होगा तो ये क्या होगा कि अंदर जो इसमें हमने चीज़ डाला हुआ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा और फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल एकदम धीमी आँच में करके इसको ऐसे सेकना है। और इसको अब ये सेक चुकी है तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, और इसके बाद में जो मैंने रोल बनाया था उसको भी सेक लेते हैं। तो उसी तरह से थोड़ा सा बटर डालेंगे तवे पे, और इसके बाद रोल को इसमें रख देंगे, और आधा मिनट लगभग एक तरफ सेकने के बाद में ढक देंगे इसको, और आधा मिनट लगभग इसको सेकना है एक तरफ से। और इसके बाद में अब इसको पलट देंगे, तो इस तरह से इसको मैं पलट देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बटर डाल दूँगी ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से क्रिस्पी सेक जाए। तो मैंने बहुत हल्का सा बटर इसमें डाला है, और बस इसको मैं इस तरह से करके, अगर आपको बटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, और बस इसको ढक देंगे और आधा मिनट तक लगभग इसको और सेकना है। तो ये तैयार हो चुका है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो बिना देखिए कोई भी फीलिंग बाहर नहीं आई है, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, और घर का बना है इसलिए नुकसान भी नहीं करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।